रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इंदौर, भैयूजी के दूसरे सुइसाइड नोट पर फैमिली को शक। इंदौर में आध्यात्मिक गुरुवार भैयूजी महाराज के सुइसाइड नोट से नया विवाद खड़ा हो गया है। मंगलवार को कथित खुदकुशी से पहले भैयूजी महाराज ने जो सुइसाइड नोट लिखा है, उसके दूसरे पन्ने में उन्होंने अपने पुराने सेवादार विनायक को संपत्ति के साथ सभी वित्तीय अधिकार सौंपने की इच्छा जाहिर की है। इसके बाद जहां एक ओर परिजन हैरान हैं, वहीं दूसरी ओर श्री सद्गुरु दत्ता धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के सदस्य भी चिंतित हैं। वहीं इस दूसरे सुइसाइड नोट की सत्यता को लेकर अभी सस्पेंस कायम है। इन सब के बीच अब एक संशय यह भी है कि भैयूजी के निधन के बाद अब ट्रस्ट के मामलों में कौन फैसले लेगा। पुलिस हैंडराइटिंग एक सपर्क्स के जरिए भैयूजी के कथित सुइसाइड नोट की लिखावट का मिलान कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह नोट भैयूजी ने ही लिखा है, इस पर अभी थोड़ा शक है। भैयूजी महाराज के रिश्तेदारों और करीबियों का साफ कहना है कि वे सभी मामलों में विनायक के दखल से खुश नहीं थे। पूर्व एनसीपी एमएलए और भैयूजी के करीबी दीपक सालुंखे का कहना है, विनायक की तरफ से किसी तरह की आपत्ति का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह शीशे की तरह साफ है कि संपत्ति पर परिवार का हक है और इस संबंध में जो कुछ भी होगा वह परिवार की तरफ से ही होगा, तो विनायक को कर देंगे बाहर। अगर विनायक खुद अधिकार पाने के लिए जोर लगाते हैं तो परिवार का क्या रुख होगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा, वे ट्रस्ट में आ जा सकते हैं, लेकिन अगर वे कुछ भी करते हैं तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। भैयूजी महाराज की बड़ी बहन के रिश्तेदार सालुंखे ने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने विनायक के साथ चर्चा की है। वहीं विनायक से जब सुइसाइड नोट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इससे पहले बुधवार को इंदौर में समर्थकों के जयकारे के बीच भैयूजी महाराज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी 17 साल की बेटी कुहू ने दोपहर 2:30 के करीब मेघदूत शवदाह गृह में चिता को अग्नि दी। वहीं आश्रम में जब भैयूजी महाराज का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, उस दौरान परिवार में दरार साफ दिखी। शीशे के जिस ताबूत में भैयूजी महाराज का पार्थिव शरीर रखा था, उसके दो अलग अलग छोर पर कुहू और उनकी सौतेली माँ डॉक्टर आयुषी शर्मा बैठी रहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाईं। शिवराज सरकार के मंत्री रहे नदारद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के अलावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन और एकनाथ शिंदे ने अंतिम यात्रा में शिरकत की, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं नजर आया। इंदौर के कलेक्टर निशांत वारवड़े ने कहा कि सरकार की ओर से वे नुमाइंदगी कर रहे हैं। मंगलवार को दिए कलेक्टर के बयान के उलट भैयूजी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को कलेक्टर वारवड़े ने बताया, भैयूजी महाराज ने राज्य मंत्री दर्जा लेने से इनकार कर दिया था। उनकी इस इच्छा को उनकी मौत के बाद बरकरार रखा गया। कंप्यूटर बाबा योगेंद्र महंत भी पहुंचे अंतिम संस्कार से पहले। भैयूजी महाराज का पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सूर्योदय आश्रम में रखा गया। उनको श्रद्धांजलि देने वाले दर्शनार्थियों में कंप्यूटर बाबा और योगेंद्र महंत समेत कई साधु संत भी शामिल रहे। इन दोनों संतों को भी मध्य प्रदेश सरकार ने भैयूजी के साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा दिया था।